हेलो दोस्तों, स्वागत है भूमि टेक के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सिंक्रोनस मोटर के बारे में। दोस्तों ये एक्चुअली कूलर में लगा रहता है दोस्तों, ये स्विंग को जो आगे पीछे करता है, मतलब हवा को आगे पीछे, जो कूलर में स्विंग नहीं लगता है उसके लिए यूज होता है। ये देखिए इसका लिखा है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट पर ही ऑपरेट होगा। फ्रिक्वेंसी एक इसका 50 से 60% है और RPM देख रहे हैं दोस्तों, ये 5 से 6 RPM इसका, मतलब एक बार ये 5 राउंड घूमेगा 1 मिनट में, फिर दूसरे मिनट में ये 6 राउंड घूमेगा, 5 से 6 राउंड ये घूमता है। और ये देखिए 4 वाट का है ये, और यहाँ पे हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे मतलब AC वोल्टेज जनरेट होता है। तो आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, और मल्टीमीटर से आपको लगा के चेक करना पड़ेगा इसको। चलिए मैं इसको सीरीज बना के आपको टेस्ट करा देता हूँ इसका रोटेशन, ये मतलब सही है या ख़राब है। देखिए मैं सीरीज बना लिया हूँ, यहाँ पर सीरीज बोर्ड बनाया हूँ। देखिए इसको मैं जैसे ही मतलब यहाँ पर टच कराऊँगी LED हमारी ग्लो हो जाएगी। देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ सामने। एक्चुअली दोस्तों ये मतलब 100 वाट का बल्ब फैलना चाहिए, तो मैं ये LED ले लिया हूँ, फिर भी ये मतलब अच्छा रिस्पांस नहीं देता है। आप अगर अच्छा रिस्पांस चाहते हैं तो मतलब बल्ब यूज कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। देखिए मैं इसके दोनों टर्मिनल पर लगा रहा हूँ, देखिए फिर हमारा RPM ये सिंक्रोनस मोटर रोटेट करेगा। देखिए देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ही मतलब सीरीज में चेक कर रहा हूँ। अगर बाई चांस अगर ये मोटर ख़राब रहता है तो मतलब मेरा सीरीज ही फॉल्ट होता है। अगर मैं इसे डायरेक्ट मेन में चेक करता तो पूरा मेरा बॉडी शॉर्ट कर देता या पूरा मेरे घर की वायरिंग ही शॉर्ट कर देता। इसलिए दोस्तों सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले सेफ्टी फिर बाद में आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये देखिए मैं फिर से इसको दिखा दे रहा हूँ, देखिए दोस्तों ये रोटेट हो रहा है। ये देखिए एंटी क्लॉक वाइज है, अब इसको क्लॉक वाइज रोटेट कराते हैं। बस मैं यहाँ से कनेक्शन बस उल्टा कर देना है। अब देखिए देखिए अब क्लॉक वाइज हो गया है। तो इसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए भूमि टेक को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।